हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हिना और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन एंड साइक्लोट्रॉन। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन को आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन। सो तो इससे पहले हम साइक्लोट्रॉन पढ़ चुके हैं। साइक्लोट्रॉन का हम यूज़ करते हैं प्रोटॉन्स को या फिर हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में। बेसिक प्रिंसिपल क्या था साइक्लोट्रॉन का, लेट मी रिकॉल यू। टू डी शेप इवैक्यूएटेड चैम्बर थे जिसपे आप कनेक्ट कर सकते करते थे अल्टरनेटिंग फील्ड के साथ इस तरह से, जिसमें फील्ड चेंज होता रहता था और मैग्नेटिक फील्ड पर पेंडिकुलर डायरेक्शन में था। चार्ज पार्टिकल आता था और इस तरह स्पाइरल शेप में मूव करता था। सेंटर पार्ट में यहाँ पे क्या था आपके पास, इस रीजन में एक्सेलरेट होता था। पर जहाँ लिमिटेशन की बात आती है, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी इसका यूज़ नहीं कर सकते थे। दूसरा, अगर आप एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात करें, सो एंगुलर फ्रिक्वेंसी वाज ओमेगा इज इक्वल्स टू बी क्यू डिवाइडेड बाई एम नॉट इंटू अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सो इफ़ यू ट्राइंग टू इंक्रीज, जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है साइक्लोट्रॉन में, मास इंक्रीज़ करता है, वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, यू कैन सी मास इंक्रीज़ करता है रिलेटिविस्टिक रीजन में, सो एंगुलर फ्रिक्वेंसी उसकी डिक्रीज़ करती है। सो दैट मीन्स जो चार्ज पार्टिकल है उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है उससे बाहर आने में, इतने टाइम में अप्लाइड फील्ड की फ्रिक्वेंसी बदल जाती है। सो दोनों आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं। सो इस चीज़ को मैच करने के लिए जो हमारे पास बना, दैट वाज सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको वेरी करते हैं अप्लाइड फील्ड की, इस तरह रखते हैं कि ये जो दोनों हैं सिंक में रहें। सो दिस वाज डेवलप्ड इन 1945 टू बाय डिक्रीजिंग द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी टू कंपनसेट फॉर द चेंजिंग मास। सो इसके लिए हमने यूज़ किया, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है इंसिडेंट कांस्टेंट रखा जाता है, फ्रीक्वेंसी वेरीड की जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन। अप्लाइड फील्ड उसी तरह का है, सब कुछ है। सो इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए यहाँ पे। सो सिंक्रो साइक्लोट्रॉन हेयर कंसिस्ट ऑफ ओनली ए सिंगल डी शेप, दिस सिंगल डी होगा इसमें, उसमें हम 2D का यूज़ कर रहे थे, इसमें सिंगल डी का यूज़ होगा। इसको मैग्नेटिक के पोल पीसेस के बीच में रखा जाता है। अब ये फील्ड इस तरह सेट किया जाता है कि जो सेंटर में फील्ड है वो ज़्यादा रहे मैग्नेटिक फील्ड इन कंपैरिजन टू द आउटर रेंज, और साथ ही साथ हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, उसी तरह चार्ज पार्टिकल आता है, एक्सेलरेट होता है। अब हम पहले पोटेंशियल दोनों टी के बीच में लगा रहे थे, अब एक डी के बीच में होगा और अर्थ किया जाएगा सेकेंड प्लेट को, उसी तरह चार्ज पार्टिकल आएगा, एक्सेलरेट होगा इस आउटर रीजन में जब वो डी के अंदर एंटर कर रहा है या फिर उसको लीव कर रहा है। डी के अंदर उसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। उसी तरह देखो स्पायरल पाथ लिया है, जैसे हम चाहते हैं कि एक सफिशिएंट एनर्जी आ गई है तो इजेक्टर प्लेट पे हम नेगेटिव पोटेंशियल लगा देते हैं। सो चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और टारगेट को यहाँ हिट कर देता है। ओके, सो मैग्नेट को इस तरह, मैं फिर से आपकी कंस्ट्रक्शन यहाँ पढ़ देती हूँ। सो पोल पीसीज ऑफ मैग्नेट आर ऑफ सूटेबल शेप सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। इससे फोकसिंग बहुत अच्छी हो जाती है कि आउटर फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अर्थ और डी के बीच में लगाया गया है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये सारा का सारा एक वैक्यूम चैम्बर में किया जाता है जिसमें मेंटेन किया जाता है प्रेशर 10^-6 mm ऑफ मर्करी, दैट इज़ वेरी लो, और आयन इससे बाहर आने से पहले कम से कम 10^4 रिवोल्यूशन ले लेता है मैक्सिमम एनर्जी अटेन करने से पहले। अब इसका क्या एडवांटेज है कि जो पीक RF वोल्टेज है वो बहुत कम रहती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो रिवोल्यूशन उसके अंदर ले रहा है, और सिंगल डी का यूज़ किया तो सिंगल डी यूज़ करने से हमें ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो गया है आयन सोर्स और टारगेट के लिए। ओके, सो हाई पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। इसके एडवांटेज है कि ये यहाँ देखो कि बर्कले में जो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन लगा हुआ है उसमें फ्लक्स डेंसिटी 1.5 टेस्ला है और 1.343 टेस्ला तक उसे डिक्रीज़ कर दिया जाता है, सेंटर में ज़्यादा आउटर में कम है, और ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी वेरी करती है 9 Hz से 126 MHz। मैंने आपको कहा था ना कि जैसे जैसे मास इंक्रीज़ करता है हमें फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ती है। सो अल्फा पार्टिकल को ये 400 MeV तक एक्सेलरेट कर सकता है। एडवांटेज ये है कि हाई एफिशिएंसी है लो वोल्टेज देने के बाद, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो यूज़ करते हैं लो है, मैग्नेटिक फोकसिंग आ रही है क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह सेट किया, हाई पोल फ्लक्स डेंसिटी यूज़ किया, बट साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेज है कि स्टिल हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे हाई एनर्जी में। दूसरी बात, आउटपुट बीम करंट बहुत कम है क्योंकि जो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनमें से कुछ ही हैं जो स्टेबल ऑर्बिट में पहुँच जाते हैं, बाकी सब के सब स्कैटर हो जाते हैं।
So this is the limitation linked with this kind of synchrocyclotron. So next thing is your synchrotron. So synchrocyclotron की limitation हमारे पास ये थी कि हम उसमें electrons को accelerate नहीं कर पा रहे थे क्योंकि electron का mass बहुत ज़्यादा increase कर जाता है with velocity. So इस difficulty को overcome किया गया with the modulation of magnetic field. So increasing magnetic field applied. Again relation में क्या था आपके पास B Q divided by m naught है ना into under root 1 minus v square over c square. So if you will increase B in according with decreasing mass, साथ साथ अगर आप B increase करोगे, mass increase कर रहा है जैसे जैसे, so आप velocity इस compensation को पूरा कर सकते हैं, okay? So now we are going to increase the magnetic field induction B. So electron cyclotron, cyclotron two type के हैं आपके पास syllabus में, one is your electron cyclotron and another one is your proton cyclotron. So let's start with electron cyclotron. So betatron में maximum energy जो obtain कर सकते हो वो electron को इससे पहले हम accelerate कर रहे थे betatron से. Betatron आपके syllabus में नहीं था but मैंने still आपको कराया है क्योंकि ये electron cyclotron में उसका principle use किया जाएगा. So limited थी due to low energy gain per turn और also the electron cannot be accelerated by synchrocyclotron. सो हमें एक मशीन चाहिए थी जो बीटाट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स हमें दे तो रहा था बट वो इतनी हाई एनर्जी के नहीं देता और सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन भी नहीं दे रहा था. सो वी नीड अ मशीन टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन. सो लेट्स सी इट्स कंस्ट्रक्शन पार्ट. सी हियर, अब इसमें ध्यान रखना बीटाट्रॉन का ही प्रिंसिपल यूज होगा. सो इसमें एक डोनट शेप है जैसे हम बीटाट्रॉन में डोनट शेप चैम्बर यूज़ करते थे. सो इट्स लाइक हियर डोनट सेक्शन, यहाँ इसके बीच में दो मैग्नेटिक बार्स दो बार्स लगा देते हैं आयरन के और ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अप्लाई किया गया है. ये देखो ये प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग्स है डोनट्स, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे. सो इट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी कॉइल. सो ट्रांसफार्मर की तरह एक्ट करेगा. चेंजिंग ईएमएफ है, उसी तरह ईएमएफ चेंज होती है तो आपके पास क्या होता है प्राइमरी कॉइल में अगर हम एसी फील्ड चेंज करते हैं तो जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो भी चेंज होती है और उस ईएमएफ इंड्यूस से हम एक्सेलरेशन करते हैं. ओके सो दिस इज डोनट सेक्शन और ये पोल पीसेस की डायरेक्शन देखो इस तरह है, प्लेन नहीं है इस तरह है. तो वो मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन भी रखी हुई है कि जो एवरेज मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ ट्वाइस एट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवोल करता है. तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है. सो यहाँ कंस्ट्रक्शन पार्ट देखिए. सो इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ ए सिरामिक डोनट शेप वैक्यूम चैम्बर इन एसी मैग्नेटिक फील्ड. एसी मैग्नेटिक फील्ड पर पेंडिकुलर लगा हुआ है. मैग्नेट कैन बी अ रिंग और सी शेप यूनिट. ओके सो फॉर वर्टिकल फोकसिंग मैग्नेटिक पोल पीसीज आर वर्टिकल फोकसिंग के लिए इसको शिफ्ट किया गया है. ये आप डायरेक्शन देख सकते हो, आपको जब एग्जाम में बनाने हैं तब भी इसी तरह ही मैग्नेट की डायरेक्शन बनानी है लाइक दिस. ये डायरेक्शन ध्यान रखना. सो इनसाइड द वैक्यूम चैम्बर रेजोनेंट कैविटी जो फॉर्म की गई है इनसाइड दिस बाय लैमिनेटेड सिल्वर कोटिंग टू प्रोवाइड एडी करंट्स आप पढ़ चुके हैं कि ईएमएफ की वजह से. तो यहाँ पे इसकी सिल्वर कोटिंग कर दी जाती है, आपके पास यहाँ शो की हुई है. सो दिस इज सिल्वर कोटिंग, लेट मी शो यू अगेन हियर. नाउ सी अ सिल्वर कोटिंग, यहाँ पे आरएफ ऑसिलेटर है. दिस इज रेजोनेंट कैविटी. रेजोनेंट कैविटी क्यों कहते हैं क्योंकि अप्लाइड फील्ड के साथ वो सिंक में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उसी फ्रिक्वेंसी पे मूव कर रहे हैं. सो दिस इज सिल्वर कोटिंग. सिल्वर कोटिंग यहाँ की गई है ताकि एडी करंट्स कम रिमूव किए जाए. एडी करंट्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं. सो आई एम नॉट गोइंग दैट इन डिटेल. सो जब एक्सेलरेटर ऑन किया जाता है सो फर्टिक कि हमने कंस्ट्रक्शन पार्ट कर लिया. रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई की जाती है गैप में प्रॉपर टाइम पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखो कि जब शुरू की कुछ फ्रिक्वेंसी है तो ये जो है डोनट शेप चैम्बर इट इज़ एक्टिंग एज अ बीटाट्रॉन. और जब बीटाट्रॉन में वो अपनी फुल एनर्जी लिमिट तक आ जाते हैं. ये देखो ये फ्लक्स पास के लिए दो बार लगाई गई हैं, स्टील बार्स हैं. ये शुरू में इसका यूज़ किया जाता है. सी है, दीज आर स्टील बार्स, इनका यूज़ किया जाता है
बीटर रॉन एक्शन के लिए, उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग चाहिए, वही कंडीशन करनी है कि बी बार इज इक्वल्स टू 2B. सो इनसाइड में जब हम शुरू में आर एफ फ्रिक्वेंसी लगाएंगे, दिस होल सेक्शन इज एक्टिंग एज अ बीटर रॉन. बीटाट्रॉन की बिगिनिंग इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट किए जाएंगे. इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है इनिशियली 50 to 100 kV. सी देन द डिवाइस ऑपरेटर इज बीटाट्रॉन. फिर इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सेलरेट करेंगे टू द एनर्जी 2 to 3 MeV, सो दैट दे अटेन ऑलमोस्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट. जो इस टाइम पे स्टील बार प्रेजेंट है ये सैचुरेट हो जाएंगी और अब इनका कोई यूज़ नहीं रहेगा, ना ही ये EMF इंड्यूस कर रही है. सो इस वजह से अब बीटाट्रॉन का एक्शन रुक जाएगा. अब सिंक्रोट्रॉन का मैकेनिज्म शुरू होगा, क्योंकि बीटाट्रॉन की लिमिटेशन थी कि हम इलेक्ट्रॉन्स को एक सर्टेन एनर्जी से ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे थे. सो बीटाट्रॉन का एक्शन ख़त्म हो गया है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं, वो बी बार बीटाट्रॉन का एक्शन ख़त्म होने से आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सैचुरेट हो गई है स्टील बार सब, ये कोई भी EMF इंड्यूस नहीं करेंगी. अब सिंक्रोट्रॉन का काम चेंज होगा, शुरू होगा. सो सिंक्रोट्रॉन का क्या काम है कि अब हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन मास. सो द मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ इंक्रीज विद द प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन द रिलेटिविस्टिक मास. सो इफ द पोटेंशियल अप्लाइड टू द रेजोनेंट ऑपरेटर सेट, अब ये दोनों अगर प्रॉपर फ्रिक्वेंसी में, सो इलेक्ट्रॉन इज स्टिल कीप मूविंग इनसाइड दिस चैम्बर, वो सेम ऑर्बिट पे अटेन करता रहेगा, क्योंकि बीटाट्रॉन में तो एक मैक्सिमम आ गई, सैचुरेट हो गई, रुक गया, उसके बाद इनका काम ख़त्म हो गया. उसके बाद स्टिल इलेक्ट्रॉन्स इज एक्सेलरेटिंग, सेम फेज में बार बार मूव कर रहा है और बाहर बाहर वो क्या कर रहा है, सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है और एनर्जी गेन कर रहा है. और बार बार रिवॉल्व क्यों कर रहा है, आउट ऑफ फेज क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करे जा रहे हैं इन प्रोपोर्शन विद इंक्रीज इन रिलेटिविस्टिक मास. सो मैक्सिमम एनर्जी जब वो अटेन कर लेता है तो हमारे फील्ड स्विच ऑफ कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है. इस टाइम पे ये जो स्टेबल ऑर्बिट की कंडीशन है वो सेम रहती है. अगर आप यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट करते हैं वो हम 50 to 10 kV पे इंजेक्ट करते हैं, 7 MeV तक वो बीटाट्रॉन के एक्शन पे होता है, और फाइनल जो हमें एनर्जी मिल रही है साइक्लोट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन में, दैट इज़ 330 MeV. दैट इज़ क्वाइट ह्यूज, बहुत ज़्यादा है. ओके, सो अगर हम फर्दर हाई एनर्जी पे करना है तो फिर हम सूटेबल इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं उनकी डायरेक्शन वगैरह कॉन्स्टेंट रखने के लिए. सो बीटाट्रॉन की एनर्जी वो फर्दर इंक्रीज कर देते हैं 1.2 billion electron volts. ओके, सो इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में रैक टाइप चैम्बर, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट बेसिक बेसिक था कि मैक्सिमम एनर्जी किस तरह से इंक्रीज करता है. सो लेट्स सी इट्स थ्योरी. सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग रेस्ट मास m0 इज गिवन एज इज इक्वल्स टू √p²c² + m0²c². सो अगर वो रिलेटिविस्टिक रीजन में पहुंच गया है तो m0c² इज नियरली 0.5 MeV इलेक्ट्रॉन्स के लिए, अगर c वेलोसिटी ऑफ लाइट ले रहे हो. सो ई इज़ मच मच ग्रेटर दैन m0c², क्योंकि रिलेटिविस्टिक रीजन में है, इसकी रेस्ट मास एनर्जी बहुत कम होती है 0.5 MeV, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो पहुँच रही है आपकी, बहुत ज़्यादा पहुँच गई है, क्योंकि वो रिलेटिविस्टिक रीजन में है, इसीलिए एनर्जी को हम ई इज इक्वल्स टू pc ले सकते हैं. साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन एक ही सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. सो मैग्नेटिक फार्मूला इज अगेन BeV साइन थीटा होता है, साइन थीटा अगेन थीटा इज 90 degrees, सो वी आर कैंसिलिंग दैट फैक्ट. सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv² / r. यहाँ से mv निकालेंगे मोमेंटम, मोमेंटम आ जाएगा और एनर्जी आ जाएगी. एनर्जी p इज इक्वल्स टू EBR एंड एनर्जी इज EBR c. सो और फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन निकालनी है, सो 1 ओवर टाइम पीरियड दैट मीन्स 2πr/c, और फ्रिक्वेंसी यू कैन से दैट इज कितनी फ्रिक्वेंसी है, c/2πr. सो दिस इज़ द फ्रिक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में. सो आई होप दिस इज़ क्लियर कि हम पहले जो थे बीटाट्रॉन के एक्शन पे काम करेंगे, जैसे ही स्टील बार सैचुरेट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, तो हम इन अकॉर्डिंग्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते जाएंगे ताकि वो लैग बिहाइंड ना रहे. नेक्स्ट इज़ योर प्रोटोन सिंक्रोट्रॉन. प्रोटोन सिंक्रोट्रॉन, वन थिंग इज दिस इज़ नॉट ओनली फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोटोन, ये किसी भी हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट क्योंकि प्रोटोन इज़ द मोस्ट फंडामेंटल अमंग हैवी चार्ज पार्टिकल्स, सो इसीलिए इसका नाम प्रोटोन सिंक्रोट्रॉन है. सो इसमें भी एक रिंग शेप डोनर चैम्बर है, यहाँ पे जो मेन रीजन है जहाँ पे हम इसे एक्सेलरेट करेंगे,
यहाँ पे भी पार्टिकल की रेडियस आपकी कांस्टेंट रखी जाती है प्रोटॉन की। अगेन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा ये डोनर शेप। ये देखो इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस लगी हुई हैं इसके परपेंडिकुलर। अगेन हम रेडियस कांस्टेंट कैसे रखते हैं, पहले उसमें फिर से क्या दिक्कत आ रही थी, बी की दिक्कत आ रही थी, मैं बार बार वो फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। सो अगेन इसमें भी हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है कि सन में जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटोन सिंक्रोटॉन। ओके सो मैग्नेटिक फील्ड ये स्केमेटिक डायग्राम है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। यहाँ देखो कि ये कुछ कुछ सेक्शन है जिसमें हम इसका यूज़ करते हैं। सी है इसमें चार अलग अलग सेक्शन है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट रखी जाती हैं जो कि उसको एक्सेलरेट करने या उसको पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है। ये सेक्शन बीच में फ्री रखे जाते हैं ताकि कोई टारगेट हो या कुछ एक्सेलरेटिंग कुछ भी चीज़ इंड्यूस करनी हो तो ये बीच में सेक्शन रखे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन्स को सॉरी इंजेक्ट करना है, बाहर निकालना है, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड है, कैविटी है, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये सेक्शन कॉन्स्ट इसके अंदर इसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी हुई है ताकि वो इसको प्रॉपर उसमें डेविएट कर सके। सो प्रोटोन ही इसकी वर्किंग आई होप आपको समझ आ गई होगी। ऑर्बिट रेडियस कांस्टेंट रखते हैं। ये डोनर चैम्बर स्टील या प्लास्टिक का बना होता है। एनुअल रिंग से इसको सपोर्ट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं फोर क्वाड्रेंट्स पे। ये जो फोर क्वाड्रेंट्स है सिर्फ यही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है और बीच में खाली रखा जाता है फॉर इंजेक्शन एक्सेलरेशन एंड इजेक्शन। यहाँ एक्सेलरेशन भी हो रही है, वो पार्टिकल जा भी रहे हैं और बाहर भी आ रहे हैं। ये जो सेक्शंस खाली हैं और यहाँ पे आपकी मैग्नेट लगी हुई है नाउ सी दिस। ये जो फोर मेजर सेक्शन है यहाँ पे मैग्नेट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाई जाती हैं और ये जो बीच के सेक्शन है ये खाली हैं एक्सेलरेशन के लिए, पार्टिकल इंजेक्ट करना या फिर बाहर लेना। सो दीज आर फोर सेमी क्वाड्रेंट। वर्किंग क्या है, अब देखो प्रोटोन को इनिशियली एक्सेलरेट करते हैं लीनियर एक्सेलरेट का यूज़ करके अप टू 10 MeV और फिर हम इसे डोनर ट्यूब में इंजेक्ट करा देते हैं। स्टिल मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल है, प्रेशर अगेन बहुत हाई रखा जाता है 10⁻⁶। सो प्रोटोन को हर एक इम्पल्स पे रेडियो फ्रिक्वेंसी से हर बार वो कुछ ना कुछ 1 KV इंक्रीज करता है पर टर्न। सो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया जाता है जैसे जैसे। ये देखो यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर से क्लियर करती हूँ कि जैसे यहाँ से मान लो प्रोटोन इंजेक्ट हुआ सो इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग, इसके अंदर घूमना शुरू करता है। इस तरह पाथ कांस्टेंट रखा गया है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रखे हैं, सब कुछ कैलकुलेशन हो रखी है। साथ साथ प्रोटोन में इंक्रीज कर रहा है तो जैसे जैसे प्रोटोन की वेलोसिटी बढ़ रही है रिलेटिव रीजन में आते इसका मास इंक्रीज करना शुरू हो गया। सो प्रोटोन इज गेटिंग हैवियर। सो ये लाइन देखो, सपोज करो कि ये प्रोटोन है सो इसका पाथ बहुत बड़ा 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 इस तरह होता जा रहा है और साथ ही साथ हम मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करते जा रहे हैं ताकि ये सिंक में रहे और हर टर्न पे इसको एनर्जी मिली है। यानी हर बार जैसे ही पास होता है इसकी इंक्रीज करता जा रहा है, मास इंक्रीज कर रहा है, हम अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करती जा रही है। सो हर बार एनर्जी गेन करते हैं। सो ड्यू टू दिस प्रोटॉन्स गेन एनर्जी फ्रॉम RF इलेक्ट्रिक फील्ड इन सक्सेसिव रिवोल्यूशन, हेंस इस फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस। सो मेंटेन ये फेज स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी ऑफ RF फील्ड इज इंक्रीज सेम मैनर में इंक्रीज करते हैं टाइम के साथ, जैसे कि उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है डिक्रीज हो रही है या फिर यू कैन से मास इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये जो प्रोटोन हैवी पार्टिकल है सो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी पे उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कितनी ज़्यादा हो जाती है, 5 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज़ ह्यूज बिलियन रीजन में पहुँच गए। सो प्रोटोन को हम मल्टी बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एक्सेलरेट कर सकते हैं क्योंकि उनकी मास इटसेल्फ बहुत ज़्यादा है। सो इसकी थ्योरी देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ लीनियर सेक्शन अगर ना होते तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन विल बी फ्रीक्वेंसी इज EB² डिवाइडेड बाई 2πK/m0c². ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन में लिखा है, देखो कैसे आता है। सो फ्रीक्वेंसी इज 1 ओवर टाइम पीरियड, ये एक्सप्रेशन हमने किया, टाइम पीरियड इज EB/2πm। ओके सो EB/2π इसको C² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ये साइक्लोट्रॉन से आता है एक्सप्रेशन की, अगर हम वो लीनियर सेक्शन नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नॉर्मल साइक्लोट्रॉन की तरह एक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज EB² / 2πm0c², अब लीनियर सेक्शन क्योंकि आ गए हैं, लीनियर सेक्शन आने से प्लस K इंट्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि MC² को हम लिख रहे हैं M0 C² + K, K काइनेटिक एनर्जी है प्लस रेस्ट मास एनर्जी।
टोटल एनर्जी हम लिख सकते हैं ना, एम सी स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस के, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट इज फ्रिक्वेंसी ई बी सी स्क्वायर प्लस टू पाई एम नॉट सी स्क्वायर. अब लीनियर सेक्शन आ गए हैं हर एक लेंथ एल के बीच में इस तरह से, ताकि उसकी शेप डोनट शेप बने. पहले सर्कुलर थी, उस वजह से हमारे पास ये और फैक्टर आ गया 2 पाई आर नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आर नॉट प्लस 4 एल. आर नॉट सर्कुलर सेक्शन की रेडियस है और एल किसकी रेडियस आ गई, लीनियर सेक्शन की. सो टोटल एनर्जी क्या होती है, इज इक्वल्स टू के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी इज योर पी स्क्वायर सी स्क्वायर. रेस्ट मास एनर्जी इज एम नॉट सी स्क्वायर. सो टोटल एनर्जी का ये रिलेशन है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स पे. सो यू विल गेट के स्क्वायर प्लस टू एम नॉट के सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस दिस. तो पी सी पी की वैल्यू हम यहीं ऊपर से देखो, यहाँ से पी की वैल्यू क्या होती है, ई बी आर नॉट. ये एक्सप्रेशन हम पहले कर चुके हैं. सो दिस इज ई बी आर नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर. यहाँ से कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी की वैल्यू कैलकुलेट किया. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह मास के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे. सो यू कैन गेट द फ्रिक्वेंसी है. सो दिस इज द वैल्यू फॉर द फ्रिक्वेंसी. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि ये फ्रिक्वेंसी हम किस तरह था. ये थ्योरी में जस्ट ये बताया गया कि किस ऑर्डर में आपकी इंक्रीज करेगी. सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर एक्सेलरेटर, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन एंड साइक्लोट्रॉन्स. प्रोटोन भी हो गया एंड इलेक्ट्रॉन भी हो गया. सो दैट्स इट फॉर टुडे.